झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद चनपई सोरेन को JMM के विधायक दल के नेता चुना गया था। चनपई सोरेन ने बीते शुक्रवार को राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। झारखंड की नई सरकार ने आज विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पास कर लिया है। चनपई सरकार के समर्थन में कुल 47 वोट पड़े हैं, जबकि विपक्ष को कुल 29 वोट मिले हैं। बता दें कि JMM और गठबंधन के विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए हैदराबाद भेजा गया था, जहां से वो रविवार शाम को ही रांची लौटे थे, जिसके बाद उन्हें रांची के सर्किट हाउस में रोका गया था। इसके अलावा PMLA कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव में शामिल होने की इजाज़त दे दी थी। झारखंड विधानसभा में चनपई सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। उधर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। आज झारखंड में श्री राहुल गांधी से श्रीमती कल्पना सोरेन जी ने मुलाकात की। हम सभी एकजुट होकर न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे, जनता की आवाज बुलंद करेंगे। विधानसभा में चनपई सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां से रवाना हो गए। उन्हें वापस ईडी की कस्टडी में जाना होगा। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री और AJSU पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने चनपई सरकार के विश्वास मत जीतने पर कहा कि विश्वास मत सवालों के आधार पर नहीं, सदस्यों के आधार पर हुआ। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, इसका जवाब उनके पास नहीं है। वे भ्रष्टाचार पर उठाए गए सवालों पर चुप थे। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे। बन्ना गुप्ता ने कहा कि आज ये साबित हो गया कि हमारे पास पूरा बहुमत था, हमारे साथ कोई खेला नहीं कर सकता है, बहुमत की सरकार थी और रहेगी। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति शासन लगाने की सुनियोजित साजिश थी। झारखंड विधानसभा में चनपई सोरेन की सरकार फ्लोर टेस्ट जीतने में कामयाब हो गई है। चनपई सरकार के समर्थन में 47 वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष को कुल 29 वोट मिले हैं। झारखंड विधानसभा में चनपई सरकार की बहुमत परीक्षण पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधानसभा स्पीकर ने चनपई सोरेन सरकार के समर्थन वाले सदस्यों को खड़े होने के लिए कहा है। मुझे कोर्ट का आदेश है, मुझे मीडिया से बात नहीं करनी है। उन्होंने कहा कि मैं सदन में भी बात नहीं कर सकती है। अब मुझे इंतजार है कि अब विधानसभा से लोग कब अरेस्ट होंगे, लोकसभा और राज्यसभा से कब गिरफ्तार होंगे। इस समय देश की बड़ी विचित्र स्थिति है।